हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार मेरी चैनल क्लिक एंड वॉच में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र करें तो कौन सा जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको सबसे कम चार्ज लगेंगे पैसा ट्रांसफ़र करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेटीएम वगैरह में आपके 5% लगते हैं और मैक्सिमम सारी जो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है उसमें आपके 3 से 4% लगते हैं। तो आज हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपके सामने आते रहे हमेशा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है पेडेक, PAYDEC। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो इसमें हमें क्लिक करके जाना है एक बार। तो इसमें क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों इसमें हम रजिस्टर पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अभी हमें OTP आएगा। OTP आ चुका है। तो इसमें हमें नाम वगैरह पूछेगा, तो ये नाम आपने जो है एज़ पर पैन कार्ड इसमें डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। आगे ये ईमेल आईडी मांगेगा आपका। तो इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका पैन नंबर है, आपका एड्रेस है। तो प्रोसीड करेंगे, तो वैसे मैंने इसमें खोला हुआ है ऑलरेडी एक, तो मैं एक बार देखता हूँ, मेरे ख्याल से ये मना कर देगा। एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ। सिटी, स्टेट, पिन कोड, प्रोसीड कर लेते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पे लिंक आई होगी, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार। तो ये मैं अपना मोबाइल पे वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो वो वेरीफाई हो चुका है, तो हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें ये खुल गया है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तो हम एक बार डैशबोर्ड पे जाते हैं।
तो इसमें दोस्तों ना एक चीज़ आपको यहाँ पे रेड में नज़र आ रहा है, पेंडिंग सबमिशन गो टू केवाईसी। तो इसमें ना हम अपना क्या कर सकते हैं कि अपना पैन आधार सब अपना डाल सकते हैं। तो उसके बाद में आपको मैसेज भी आएगा कि आपके ये वेरीफाई हो चुके हैं, अदरवाइज़ आप ट्रांसफ़र तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपना पैन इसमें डाल दिया, अब इसमें गवर्नमेंट आईडी में आप आधार कार्ड डाल सकते हो और जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ये आधार फ्रंट साइड आ गया, अब इसकी बैक साइड डालते हैं। ये हमारा बैक साइड भी आ गया, तो ये हमारा वेटिंग फॉर अप्रूवल इसमें आ रहा है। तो हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमें जो भी ट्रांसफ़र करना हो अकाउंट, तो इसमें हमें सबसे पहले अकाउंट ऐड करना होता है। जैसे आप मेक पेमेंट पे आपने क्लिक किया तो ऐड बेनिफिशियरी आया। ऐड बेनिफिशियरी में आप क्या करेंगे कि ये इसमें आप अकाउंट डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है। तो पूरा अकाउंट डिटेल डालने के बाद में जब भी आपको क्रेडिट कार्ड से जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो आपके इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। जो भी इसमें मिनिमम इसमें 2.12 प्लस GST% डिडक्शन, वो मैं आपको जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है उसमें से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम फिर से इसमें लॉगिन करेंगे, क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी एक बना हुआ है और इसमें शायद थोड़ा टाइम भी लग जाता है अप्रूवल मिलने में आपके केवाईसी में। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट की ट्रांजेक्शन कैसे करनी है। तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। तो ये देखो मेरी पहले की ट्रांजेक्शन्स हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें। ये देखो दोस्तों, जब आप अपने इसमें अपलोड करते हो केवाईसी तो ये यू हैव बीन वेरीफाइड, योर केवाईसी हैज़ बीन वेरीफाइड आ जाता है। तो अब हम इसमें जो है करेंगे पेमेंट। तो ये ऊपर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों मेरी पहले से अकाउंट डिटेल है इसमें, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में स्टार्ट योर पेमेंट। तो दोस्तों मैं आपको 100 रुपीज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मिनिमम 100 है। तो इसमें हमें पर्पस भी लिखना पड़ता है। जैसे मैं इसमें पर्सनल पेमेंट फॉर इंडिविजुअल्स ऐसे लिखता हूँ और रिव्यू माई पेमेंट करता हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें दोस्तों 2.12% प्लस GST लगता है। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड और उनका ट्रांसफ़र भी करता रहता हूँ, लेकिन इससे कम जो फीस है वो मेरे को कहीं पे भी नहीं लगी। मैंने सारी जगह छान मारी। तो ये आपको सिंपली जो है टोटल 2.5% पड़ता है, मतलब 100 रुपये पे आपको 2.5 रुपये पड़ेगा और 1000 रुपीज़ पे आपको 25 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये सबसे लेस है। और इसमें भी आपको जैसे नेक्स्ट डे आपको पेमेंट चाहिए तो आप क्लासिक पे आउट सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको अगर ज़्यादा फास्ट रिक्वायरमेंट है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैसा बचाना ही चाहते हो तो फिर आप एक दिन वेट ही कर लो। तो ये मेरा ऊपर इसमें 102 रुपये समथिंग कटेगा और तब जाके मेरे अकाउंट में 100 रुपये आएगा। तो दोस्तों हम आगे जाते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। ये मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया जिसमें जमा होने वाला है। तो ये एग्री करते हैं।
तो अब ये यहाँ पे मेरे से डिटेल मांगेगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी डिटेल डालेंगे। यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल रहा हूँ। ये मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल सेफ़ है वेबसाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सिक्योर वेबसाइट है। तो इसमें आप अपना नाम भी डालेंगे साथ में। डेट ऑफ एक्सपायरी और ईयर, फिर आप इसमें अपना सीवी नंबर डाल सकते हो। तो ये मर्ज़ी आपकी, मैं इसमें अनटिक करता हूँ, मैं आगे सेव नहीं करना चाहता कार्ड की डिटेल। तो मैंने आगे प्रोसीड कर चुका हूँ। तो इसमें अपना OTP आएगा अभी। सबमिट। तो हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और ये टोटल हमारे इसमें से 102.5 कटे हैं और जमा होंगे 100 रुपये। तो ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट इज इन प्रोसेस बता रहा है। तो इसके बाद दोस्तों आपको मेल आएगी और उस मेल पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस मेल पे सब्जेक्ट वगैरह में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपना क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो डालनी है, जिसमें कि आप पहले 4 और लास्ट के 4 जो है डिजिट वो दिखा दो, बाकी सब ब्लर कर दो, आपका एक्सपायर डेट ब्लर कर दो, आपका नाम और लास्ट के और फर्स्ट के 4 जो क्रेडिट कार्ड के अक्षर डिजिट हैं वो दिखाने हैं। तो वो आप उनको फ़ोटो पिक लेके ईमेल आईडी भी आपको मांगेंगे क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये चाहिए चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको देना ही देना है। तो उसके साथ में आपको आधार और पैन देना है। तो ये 3 चीज़ें आपको मेल पे प्रोवाइड करनी है, वो आपसे मांगेंगे। तो नेक्स्ट डे आपकी जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, कभी अर्जेंट नीड हो तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में सबसे कम फीस पे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।